हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज सॉल्यूशन चैनल द सिंपल वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग GTAW वेल्डिंग प्रोसेस में टॉर्च का प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है, जैसे कि कॉलेड बॉडी है, कॉलेट है, टंगस्टन है, नोजल है, उसका सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है, एम्पियर सिलेक्शन टंगस्टन के अकॉर्डिंग क्या रेंज होती है, वो आज हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। जैसे फ्रेंड्स, टिग वेल्डिंग करते समय अगर रॉन्ग डायमीटर सिलेक्ट होता है, टंगस्टन हम लोग स्मॉलर डायमीटर का अगर लेते हैं और हायर एम्पियर पे जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो टंगस्टन ओवरहीट होता है, टंगस्टन की टिप आगे से खराब होती है, टंगस्टन इंक्लूजन के चांसेस रहते हैं। अगर आपने नोजल का सिलेक्शन, सिरामिक नोजल का सिलेक्शन रॉन्ग कर दिया, जॉइंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो टॉर्च चलाते समय, टॉर्च की मूवमेंट करते समय, सिरामिक की मूवमेंट करते समय आपको दिक्कतें आ सकती है। जॉइंट की डिजाइन बड़ी है, वी ग्रो है, उसमें स्मॉलर डायमीटर का अगर कप रहेगा तो उसमें चलाने के लिए आपको दिक्कतें आएगी, वीविंग करते समय आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। तो आज का वीडियो में हम लोग सिलेक्शन देखेंगे, जैसे कि नोजल सिलेक्शन किस तरह से होता है, टंगस्टन का जो पॉइंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसका एंगल टंगस्टन के साइज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एम्पियर सिलेक्शन टंगस्टन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, नोजल का सिलेक्शन क्या होना चाहिए, ये आज हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। टिग वेल्डिंग प्रोसेस करते समय आने वाले चार कॉमन प्रॉब्लम्स, जैसे टंगस्टन का टिप बार बार खराब होना, वेल्डिंग का अपेयरेंस खराब आना, सिरामिक नोजल का टूटना, और यहाँ पे लास्ट इमेज में टंगस्टन का टिप आपको खराब दिख रहा है, और ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जब शुरुआत में वेल्डिंग सीखते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और उसका सॉल्यूशन आज हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। टिग वेल्डिंग प्रोसेस में काफ़ी सारे फायदे होते हैं, जैसे कि साउंड वेल्ड क्वालिटी, वेल्ड बीड एकदम क्लीन मिलता है, स्पैटर्स नहीं है, स्मोक नहीं है, ये सारे एडवांटेज की वजह से टिग वेल्डिंग प्रोसेस ज़्यादातर यूज़ होती है। लेकिन टिग वेल्डिंग प्रोसेस में टंगस्टन इंक्लूजन जैसा डिफेक्ट आता है, वो एक्सरे वेल्ड में टंगस्टन इंक्लूजन दिखाता है, इसलिए टिग वेल्डिंग करते समय टंगस्टन का प्रिपरेशन सही होना, टंगस्टन का सिलेक्शन सही होना बहुत ज़रूरी होता है। ऑलवेल्ड सॉल्यूशन चैनल पे टिग वेल्डिंग प्रोसेस से रिलेटेड थ्योरी से लेके सीजी वेल्डिंग पोजीशन तक वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग देखते हैं टॉर्च का प्रिपरेशन और पार्ट्स का सीक्वेंस किस तरह से होता है। जैसे टिग वेल्डिंग का टॉर्च आपने देखा होगा, सबसे पहले है नोजल, उसके बाद है कॉलेट बॉडी, उसके बाद है कॉलेट, उसके बाद है इंसुलेटर कैप, और उसके बाद ये सारे पार्ट्स टॉर्च में लगेंगे और उसके ऊपर एंड कैप को टाइट करके ये असेंबली टॉर्च पूरी रेडी होगी। अब इसका सिलेक्शन किस तरह से होता है वो अभी देखेंगे। सबसे पहले है सिरामिक नोजल। सिरामिक नोजल का सिलेक्शन बेस मेटल के थिकनेस के अकॉर्डिंग होता है, जॉइंट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होता है, और नोजल के सिलेक्शन के अकॉर्डिंग गैस फ्लो रेट डिफाइन होता है। नोजल की साइज़ अपने कौन से एमएम की ली है, कौन से नंबर की ली है, उसके अकॉर्डिंग गैस फ्लो डिसाइड होता है। अगर बड़ी कैप आपने ली है, बड़ी सिरामिक नोजल आपने ली है, तो आपको गैस फ्लो रेट भी बढ़ाना पड़ेगा। नोजल के साइज़ के अकॉर्डिंग गैस फ्लो रेट कितना रखना है वो आगे हम लोग चार्ट में देखने वाले हैं। सेकंड है कॉलेट बॉडी। कॉलेट बॉडी, टंगस्टन और कॉलेट, ये तीनों आपको एक ही साइज़ का लेना है। जैसे कॉलेट बॉडी अगर आपने 2.4 का लिया है तो कॉलेट भी आपको 2.4 और टंगस्टन भी 2.4 का लेना है। टंगस्टन का सिलेक्शन टिग वेल्डिंग प्रोसेस में जॉइंट की डिज़ाइन, जॉइंट की थिकनेस और एम्पेरेज रेंज कितनी है WPS में, या आपको कितनी रेंज सिलेक्ट करनी है, उसके अकॉर्डिंग टंगस्टन आपको सिलेक्ट करना पड़ता है और टंगस्टन के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो इसके बाद हम लोग चार्ट देखेंगे और चार्ट में कौन से पैरामीटर्स के लिए नोजल सिलेक्शन क्या है, टंगस्टन का एंगल क्या है, किस तरह से टंगस्टन का पॉइंट रखना है, वो अभी हम लोग ये चार्ट में देखेंगे। चार्ट में डिटेल में वेल्डिंग करंट DC इलेक्ट्रोड नेगेटिव, जैसे कि टिग वेल्डिंग प्रोसेस में DC EN पोलरिटी यूज़ होती है,
गैस फ्लो रेट प्योर आर्गन, टीग वेल्डिंग प्रोसेस में इनर्ट गैस यूज़ होता है, प्योर आर्गन का गैस फ्लो रेट यहाँ पे दिया है। उसके बाद है इलेक्ट्रोड एंगल, टंगस्टन का एंगल किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसका एंगल डिग्री में दिया हुआ है। उसके बाद है कॉलेट बॉडी, कॉलेट साइज, कॉलेट बॉडी, नोजल का नंबर यहाँ पे दिया है। सबसे पहले रेंज दी है 20 से 70, 1.5 mm थिकनेस के लिए, गैस फ्लो रेट 6 लीटर पर मिनट, और इलेक्ट्रोड का एंगल 35 डिग्री दिया है। कॉलेट बॉडी, टंगस्टन और कॉलेट साइज आप सेम साइज़ का लेना है, जैसे कि 1.6 का टंगस्टन है तो 1.6 की कॉलेट और कॉलेट बॉडी लेनी है। नोजल का नंबर आप 6 से 9 ले सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग गैस फ्लो 6 लीटर पर मिनट दिया हुआ है। दूसरी रेंज यहाँ पे दी हुई है 50 से 120, 1.5 to 2.4 mm या 3 mm थिकनेस तक आप ये रेंज यूज़ कर सकते हो। उसके लिए गैस फ्लो रेट, आर्गन गैस फ्लो रेट 7 लीटर पर मिनट दिया है, इलेक्ट्रोड पॉइंट 45 डिग्री एंगल, कॉलेट साइज 1.6 तक ही आप ले सकते हो, और नोजल भी वो 6 या 9 नंबर की आप सिलेक्ट करके वेल्डिंग कर सकते हो। थर्ड रेंज यहाँ पे 4 mm अबव थिकनेस के लिए, जॉइंट के और थिकनेस के साइज के अकॉर्डिंग आप एम्पेयर रेंज यहाँ पे 100 to 180 एंड 150 to 250 की रेंज दी हुई है। गैस फ्लो रेट उसके लिए 8 लीटर से 9 लीटर पर मिनट तक दिया हुआ है। इलेक्ट्रोड पॉइंट एंगल 60 डिग्री है, जब आप इलेक्ट्रोड को पॉइंट करोगे, ग्राइंड करोगे, तो 60 डिग्री एंगल रखना है। कॉलेट साइज और टंगस्टन 2.4 mm का लेना है, और नोजल का सिलेक्शन आप 7 से 11 तक जॉइंट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, कभी कभी टीग वेल्डिंग प्रोसेस में ज़्यादा गैस फ्लो रेट सेट करने की वजह से गैस अननेसेसरी वेस्ट होता है, गैस में आर्क टर्बुलेंस क्रिएट होता है, आर्गन सिलेंडर की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है, वो काफ़ी महंगी गैस है, और उसकी वजह से जब हम लोग ज़्यादा गैस फ्लो रेट यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से वेल्डिंग में तो प्रॉब्लम आते ही है, लेकिन वेल्डिंग की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, गैस ज़्यादा वेस्ट होता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, एम्पियर रेंज बेस मेटल की थिकनेस के अकॉर्डिंग आप गैस फ्लो रेट सिलेक्ट करके टंगस्टन का प्रिपरेशन 35 to 60 डिग्री एंगल तक स्ट्रेट लाइन में आपको अच्छी तरह से ग्राइंड करके यूज़ करना है, और नोजल का सिलेक्शन सही करके आप वेल्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। अभी हम लोग फिर से एक बार देखेंगे कि किस तरह से पार्ट्स का आइडेंटिफिकेशन होता है, कॉलेट बॉडी क्या है, कॉलेट क्या है, एंड कैप क्या है, और टॉर्च किस तरह से लगानी है। टीक वेल्डिंग की टॉर्च के डिज़ाइन और पार्ट के सीक्वेंस आप यहाँ पे देख रहे हो। सबसे पहले है सिरामिक कैप, कॉलेट बॉडी, कॉलेट, टॉर्च और एंड कैप। सबसे पहले सिरामिक नोजल की नंबर आपको सिलेक्ट करनी है। कई सारे नंबर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, जॉइंट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है टंगस्टन का सिलेक्शन। टंगस्टन कई सारे कलर कोड में अवेलेबल रहते हैं, जैसे यहाँ पे रेड, ब्लू, ग्रीन दिख रहा है, वाइट कलर में भी टंगस्टन आता है। उसके 1.6 से लेके 2.4, 3.15 या 3.24 mm तक साइज़ अवेलेबल होती है। टंगस्टन में कलर कोडिंग दिया होता है, जिससे आपको कलर कोडिंग से थोरिएटेड 2%, जिरकोनेटेड, कौन सी टाइप का टंगस्टन है वो पता चलता है। और नॉर्मली MS और SS के लिए रेड कलर का टंगस्टन यूज़ होता है। ग्रीन और वाइट एल्यूमिनियम वेल्डिंग के लिए, टीक वेल्डिंग के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। टीक वेल्डिंग में आने वाले ये चार कॉमन प्रॉब्लम्स, जैसे कि सिरामिक कप का क्रैक होना, टंगस्टन बार बार मेल्ट होना, ओवरहीट होना, ये प्रॉब्लम्स आप सही टेक्निक, सही पैरामीटर सिलेक्शन, ओवरहीटिंग कम करके, हीट इनपुट कम करके, जब आप स्लो स्पीड से चलते हो तो प्लेट ज़्यादा ओवरहीट होती है, हीट इनपुट बढ़ जाता है, उसकी वजह से सिरामिक नोजल आपकी, सिरामिक जो कप है वो ओवरहीट होता है और वो कप क्रैक हो जाता है। ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको सही टेक्निक्स और सही पार्ट्स सिलेक्ट करने होंगे।